प्यारे छात्रों अभिनंदन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनित गोयल और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो 18 अक्टूबर 2018 के हैं, कि जो ये क्वेश्चन है आपके यूजीसी एनटी एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। दिसंबर 2018 में एग्जाम है, सीटेट के एग्जाम होने वाले हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम 24-25 अक्टूबर में है। तो आप पिछले 2-3 महीने की जितनी करंट अफेयर्स की क्विज मैंने डाली है उनको आप देख के जाइएगा और ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे इसी में से मिल जाएंगे। 31 जुलाई से आपको लगातार हमारी क्विज मिल रही है, 80 के करीब हमारी करंट अफेयर्स की क्विज है जिसमें 10 क्वेश्चन लगभग पर डे की क्विज में, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक फोटो आपको दिखाई दे रही है, जैसा कि आपको पता है हम एक फोटो दिखाते हैं आपको करंट अफेयर्स की क्विज में, और यहाँ आपको दिख रही है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के हाथ में फिज, एप्पी फिज फ्रूटी है ये, आपको इसके बारे में बताएंगे कौन सा ब्रांड एंडोर्स करती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्विज की। जैसा कि आपको पता है का हम आपसे पूछते हैं हमेशा बुझो तो जाने का प्रश्न, और हमने पूछा था आपसे वीवो फोन जो इस समय बहुत नंबर वन की ओर अग्रसर हो रहा है, और हमने पूछा था इसमें आपको रणवीर कपूर की फोटो दिखाई थी और पूछा था ये रणवीर ही है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसमें से हमारे पास 4 आंसर आए हैं, जिसमें सबसे पहले आंसर अभिनव शुक्ला जी ने दिया था, आमिर खान इसके ब्रांड एम्बेसडर है, उसके बाद कुलदीप यादव ने, विजय कुमार ने और सुमन कुमार ने, इन चारों ने इसका आंसर दिया है। और अभिनव शुक्ला जी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव गिवन द आंसर वेरी फर्स्ट। और अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम भी इस वीडियो में आए, यूट्यूब में आए, तो आप हमारे बुझो तो जाने के प्रश्न का आंसर जरूर दिया करें और आपको इस वीडियो के अंत में बुझो तो जाने का प्रश्न मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्विज की, और आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के लिए निम्नलिखित में से किसे शुभंकर बनाया गया, मोटो जिसे बोलते हैं शुभंकर चिन्ह होता है वो किसे बनाया गया, जैसे पांडी था उसी तरह शुभंकर चिन्ह बनाया गया पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का किसे बनाया गया। भारत में होना है और ये कछुआ है, इस कछुए की रक्षा के लिए बनाया गया इस चिन्ह को, यह है ओली कछुआ, ओली नाम का कछुए को इसका शुभंकर बनाया गया है, क्योंकि ओलिव रिडले नाम का एक कछुआ है जिसके संरक्षण की जागरूकता फैलाना चाहता है भारत, और भारत में ये गेम हो रहे हैं पुरुष हॉकी विश्व कप 2018। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज की क्विज का 18 अक्टूबर की का, भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन महिला किसान दिवस मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को ही भारत में महिला किसान दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना। और प्यारे छात्रों आपको ध्यान होगा 15 अक्टूबर की क्विज में मैंने आपको बताया था इस बारे में कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन भी 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, तो आपके 2 दिन 15 अक्टूबर को हो चुके हैं। 15 अक्टूबर में मैं आपको बता चुका हूं इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाया जाता है, तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे 15 अक्टूबर को कौन कौन से दिन होता है। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज की क्विज का, निम्नलिखित में किस लेखिका ने मैन बुकर प्राइस 2018 जीता है, ये बुक्स के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उपन्यास लिखा था मिल्क मैन, तो इसके बारे में मैं बता देता हूं, ये पहली उत्तर आयरिश महिला है, आयरलैंड की है और इनका नाम है एन्ना बर्स, इन्होंने उपन्यास लिखा था मिल्क मैन, एक 18 वर्षीय लड़की के बारे में उपन्यास है जिसे मिडल सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसे मिल्क मैन नामक पुराने अर्सैनिक व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था उसके बारे में इन्होंने किताब लिखी थी, जिसके लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम है निकोल पाशनियान, निकोल पाशनियान नाम के शख्स हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और आर्मेनिया जैसे नाम आ रहा है तो मैं आर्मेनिया की कैपिटल और बता देता हूं, आर्मेनिया की कैपिटल है ये रावन, अरे भाई मैं नहीं हूं ये रावन, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आर्मेनिया, अरे मैं नहीं हूं भाई ये रावण मैं नहीं हूं, क्योंकि अभी आपको पता है कि दशहरा चल रहा है, रामलीलाएं चल रही हैं, तो रावण आपको याद रहा होगा, तो ये रावण आर्मेनिया की कैपिटल है, अरे मैं नहीं हूं ये रावण, ये ट्रिक होती है जो हम आपको देते हैं, और आपको ए टू जेड करियर्स की प्लेलिस्ट में बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइए वहां आपको रीजनिंग की, मैथ की, इंग्लिश की, जीके की ट्रिक्स मिल जाएगी, और उन ट्रिक्स को देख के आप अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं, और अकेला जो चैनल है जहां पे आपको सब कुछ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्स द्वारा जारी टॉप 2 नियोक्ताओं की सूची में किस कंपनी को पहला स्थान मिला, नियोक्ताओं का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जो अपने एम्प्लॉइज का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है उसमें नंबर 1 पे कौन सी कंपनी आई है, तो मैं आपको बता दूं ये गूगल नहीं है, जैसा आपको पता होगा गूगल में सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट रख दिया गया है, ये बिगेस्ट टेक कंपनी मानी गई है और धीरे धीरे इसकी मार्केटिंग की जाएगी।
अल्फाबेट कंपनी के जो लैरी पेज हैं, जबकि गूगल के सीईओ प्रेजेंट टाइम में सुंदर पिचाई है। तो ये आप याद रखेंगे, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है इसको पहला स्थान मिला अल्फाबेट को। अल्फाबेट क्यों रखा गया है, ये लैंग्वेज के हिसाब से रखा है, अल्फाबेट नाम, ये नया नाम है गूगल के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फोर्ब्स द्वारा जारी टॉप 200 नियोक्ताओं की सूची में किस भारतीय कंपनी को टॉप 25 में जगह मिली है। पूरे वर्ल्ड की 2000 कंपनियां ली गई हैं जो सबसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट देखती हैं, नियोक्ताएं नियुक्ति करती हैं, इसमें भारत की कौन सी कंपनी नंबर वन पे आई है और ये टॉप 25 कंपनीज में भी स्थान बना पाई है। ये लार्सन एंड टर्बो, ये 22वें स्थान पर आई है टॉप 25 में, 22वें स्थान पर, और भारत में इसका नंबर वन है लार्सन एंड टर्बो का। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है आज की क्विज का, कौन सा देश कैनाबीस के पौधों के उपयोग को वैध बनाने के बाद उरुग्वे के बाद दूसरा देश बन गया है। अब कैनाबीस आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, अगर मैं इसको भारतीय लैंग्वेज में बोलूंगा आपको अभी तुरंत समझ में आने वाला है। कैनाबीस एक पौधा है जिस पर 2001 में ही बैन लगा दिया गया था, और 2013 में इसको बैन लगाने के बाद हाल ही में कनाडा ने कहा है कि हम इस पर बैन हटा रहे हैं, और चार पौधे कोई भी कनाडा वासी इसे अपने घर में लगा सकता है। और आपको दिखाई दे रहा होगा और आप समझ गए होंगे, काटा लगे ना कंकर प्याला तेरे नाम का पिया, ये गाना आपको याद आ रहा होगा, भांग पिलाई गई थी। तो ये भांग का पौधा है जिसे हम कैनाबीस का पौधा बोलते हैं, और आपको अब समझ में आने वाला है इसे गांजा भी बोलते हैं, मैरिजुआना भी इसी से बनता है, और भांग तो आपको पता ही है रंग में भंग, भांग होली के समय भारतीय भी इसे खूब दबाकर पीते हैं। तो इस पर बैन लग गया था, पूरे विश्व में बैन लगा था, लेकिन इससे अब दवाइयां बनाई जाती हैं, माइंड की कुछ दवाइयां बनाई जाती हैं। तो इस पर से बैन हटा के उरुग्वे पहला देश बना है और कनाडा दूसरा देश बना है जिसने इस पर बैन बंद कर दिया, और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर एट है, ऑनलाइन वित्तीय बैंक बाजार नाम की कंपनी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये वाइस गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, इनका नाम है एसएस मुंद्रा। एसएस मुंद्रा को बैंक बाजार ऑनलाइन वित्तीय बाजार कंपनी का सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से आप इसे जानते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत ने निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल बैठक की है, ये छठी बैठक है। ये कहां पे भारत में आयोजित की गई है, अभी अबू धाबी में भी की गई थी, ये छठी बैठक मुंबई में आयोजित की गई है ताकि संयुक्त अरब अमीरात और भारत अच्छा निवेश कर सके। और यहां पे सऊदी अरब का नाम आया, कई बार मैं पहले भी आपको रिवाइज करा चुका हूं, दोबारा रिवाइज करा देता हूं, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के किंग है वो है सलमान, और जो क्राउन प्रिंस हैं उनका नाम है प्रिंस मोहम्मद। तो ये पोर्शन आप याद रखेगा, इंडिया के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और यहां पे आके ये सऊदी अरब है। तो मैप में आपको सऊदी अरब की लोकेशन समझ में आ गई होगी, और मैप को थोड़ा सा देख लिया करें, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। और मैं आपको जल्द ही एक ट्रिक देने वाला हूं, लाइव ट्रिक दूंगा, मैं आपको बताऊंगा मिलिट्री एक्सरसाइज भारत के साथ किस देश की कहां पे होती है, और वो उसमें मैंने सारी की सारी मैप टेक्निक ली है। मैप का आइडिया अगर आपको है अमेरिका कहां है, कनाडा कहां है, ऑस्ट्रेलिया कहां है, एक बार मैप को जरूर देख लीजिएगा, ये ट्रिक एक दो दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आप SLRW टेक्निक का इस्तेमाल क्या करें। SLRW टेक्निक का मतलब क्या होता है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं, स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग सुनना, और रीडिंग पढ़ना, ये तीन चीजें आपकी मेरी वीडियो देख के हो जाती हैं। केवल और एक केवल एक काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, वो है राइटिंग का काम। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक रजिस्टर बना लिया होगा, लगातार ये हमारी 80वीं वीडियो है करंट अफेयर्स की जो लगातार हम पर डे आपको देते हैं, आप इससे जुड़िए और इसे देखिए और इनको उतार लीजिए। इसका पीडीएफ भी हम लिंक में डाल देते हैं, और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए। इंस्टाग्राम में A2Z करियर्स के नाम से हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, इवन आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हर जगह हमारा सोशल वेबसाइट जो है, सोशल लिंक जो है A2Z करियर्स है। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं A2Z करियर्स डॉक्टर कुमार पुनित गोयल। और मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन जरूर लिखा करें, क्योंकि लिखने से आपके माइंड में 200% आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ये लिखने की प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 10th है, आर्थिक तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग पर हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। भारत ने तंजानिया के साथ ये समझौते किए हैं आर्थिक तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग पे, और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये समझौते
पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे इंडिया सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? ये प्रेमा गोपालन को दिया गया है। इन्होंने उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत में महिला उद्यमी बने, तो उसके लिए इन्हें प्रेमा गोपालन को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC, ये आपको पता होगा, ये रेल यात्रा संबंधी एक वेबसाइट है जिससे आप रेल की टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें पूछताछ का जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक नया चैट बॉट शुरू किया गया है जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका नाम क्या है? ये आस्क दिशा, आस्क दिशा, अपनी दिशा पूछे, ये चैट बॉट शुरू किया गया है IRCTC की रेल सर्विस में। और जैसा कि आपको पता है और अब समय आ गया है भूजो तो जाने की आज के क्वेश्चन का, ये फोटो हमने आपको शुरू में भी दिखाई थी और आप पहचान गए होंगे आलिया भट्ट। आपको बताना आलिया भट्ट किन किन ब्रांड को एंडोर्स करती हैं, शी इज डूइंग व्हाट एडवर्टाइजमेंट, आलिया भट्ट कौन कौन से ब्रांड को एंडोर्स करती हैं, ये प्रश्न आप लिख के भेजिए। हम ये प्रश्न क्यों देते हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप गूगल में जाके क्वेश्चंस को ढूंढें, आपकी कैपेसिटी बढ़े, आपकी लर्निंग स्पीड बढ़े, तो आप इस चीज को सीख लीजिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करा करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। और बूझो तो जाने के प्रश्न का जो आंसर सबसे पहले लिखेगा उसका नाम अपनी अगली क्विज 19 अक्टूबर की करंट अफेयर में जरूर देंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें, पहली बार मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और बेल वाला आइकन भी तुरंत दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का हमेशा नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे ट्रिक हैं और अलग से हमने फोल्डर बनाए हुए, जैसे यूपी टेट का अलग फोल्डर बना हुआ है, यूपी पुलिस के लिए अलग फोल्डर है, पीपीसी एग्जाम के लिए अलग फोल्डर है, जो पंजाब का एससी का एग्जाम होता है, टीएलसी का एग्जाम अलग है, तेलंगाना पुलिस का, राजस्थान पुलिस का एग्जाम अलग मिलेगा, सारे एग्जाम आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे हमने अलग से प्लेलिस्ट भी दी हुई है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, उनकी ट्रिक्स भी आपको मिल जाया करेंगे। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और आपको वो बिल्कुल यूनिक वीडियो मिलेंगी और हमारी ट्रिक्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। दीज आर द कॉपीराइट ट्रिक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, व्हाट एवर यू आर डूइंग, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और वेदर यू आर डूइंग बिजनेस, एंड वी आर गिविंग यू सम मोटिवेशनल वीडियो ऑल्सो विच विल गिव यू द लाइफ सक्सेस, हाउ यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।